नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है एम जी ऑटो ब्लॉग। और आज की वीडियो मैं स्पार्क में बना रहा हूं, सेवले स्पार्क में। और ये वीडियो इसलिए है कि अगर आप काफी दिनों तक कार को नहीं चलाते, खड़ी रहती है, तो एक दो बार कभी ना कभी चला लेना चाहिए, जिससे कि उसमें ऑयल घूम जाता है, बैटरी का आपका चार्ज होता रहता है। तो थोड़ा बहुत हम भी राउंड मार जाते हैं। ये बेसिक टिप्स हैं आपके कार के इंजन पार्ट्स को वर्किंग कंडीशन रखने की। चलते हैं, नजारा दिखाते हैं सुबह सुबह का। आज संडे का दिन है, सोचा कि सफाई भी हो जाएगी कार की। संडे का दिन ही मिलता है बस। चलो पीछे का नजारा दिखाते हैं। और आजकल एक चीज मैं जरूर बता दूं आपको, जहां मैं रहता हूं वहां पे आजकल चोरियां बहुत बढ़ने लगी हैं, बहुत ज्यादा चोरियां अभी तो घरों में चल रही हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो, गाड़ियों या बाइक की, स्कूटी की, इन सब की भी, क्योंकि ऐसा है ना, सर्दी आते ही चोर एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी अगर आपको अपनी कार की सेफ्टी रखनी है, तो एक मैं प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक जीपीएस ट्रैकर है वायरलेस, वन लैप गो, तो आप उसे भी ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी कार में इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसी जगह। और उसमें पावर बैंक की तरह एक बैटरी आती है 10,000 mAh की, जो कि एक बार चार्ज करो और भूल जाओ आराम से 20-25 दिन के लिए। तो कार की सेफ्टी भी रहेगी, प्लस आप डैश कैम और लगा सकते हैं अपनी कार में, क्या एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आसपास। तो दो चीज जरूरी है कार में, बाकी वीडियो कैसी है देखो, फॉग जैसा लग रहा है आगे माहौल, लेकिन फॉग नहीं, प्रदूषण नहीं है। इसलिए कार में डैश कैम जरूर होना चाहिए जब भी आप कभी सफर कर रहे हो, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आगे किसकी गलती है किसी नहीं गलती है, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए डैश कैम बहुत जरूरी है। मैं तो यहीं से यूटिल लूंगा। और ये भी बेसिक टिप्स में आता है, जब भी आप टर्न लें तो इंडिकेटर जरूर दें। बाकी कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी एम जी ऑटो ब्लॉग पे अच्छी वाली, वो भी अब आया करेगी टिप्स वगैरह। एक बार मैंने कार चलाना सिखाया था गोप्रो से, मतलब गोप्रो की कैमरे के हेल्प से मैंने, तो वो वीडियो बहुत चल रही है फेसबुक पर, चल रही है, ये पता नहीं यूट्यूब पे चल रही है, चली तो काफी हेल्प मिली। अब उसी का अपडेटेड वर्जन या फिर थोड़ा सा और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा, फिर से सिखाऊंगा कार कैसे चलाएं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को प्यार देते रहें। तो आपके सब्सक्राइब करने से आपका पैसा तो नहीं आता, लेकिन हमें मनोबल ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारा एम ब्लॉक सेक्टर 23। तो वही बताना चाह कि चोरियां बहुत हो रही है, तो आप भी सावधान रहिए, अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर जरूर लगवाए और एक डैश कैम कार अगर नहीं है तो, अब पुरानी है तो आप एक बार वो चांस ले सकते हैं कि यार ये सब खर्चा क्यों करें, लेकिन फिर भी कार नई और पुरानी हो अटैचमेंट सबसे रहती है उस इंसान की जो चलाता है इसको, ठीक है। इतनी सी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टिल देन ख्याल रखें अपना, जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।